कैंट पुलिस एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को पेडलेगंज डिवाइडर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदो पोस्ट करकुरैया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, दूसरा आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदो पोस्ट करकुवैया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों भाई अपने साथी मोनू आदि के साथ गोरखपुर की सड़कों के किनारे सांड व गायों को पिकअप पर लोड करके ले जाकर बिहार में बेच देते हैं। हम लोग पुलिस से बचने के लिए अपने पिकअप में पत्थर रखते हैं। हम लोगों द्वारा 19 मई को चिलुआताल थाना क्षेत्र व 17 अप्रैल को विश्वविद्यालय चौराहा थाना क्षेत्र कैंट से गाय चोरी किए थे। इसके अलावा 20 व 21 मई को रात में जब हम लोग थाना क्षेत्र तिवारीपुर में गायों की चोरी करने गए थे, थाना प्रभारी की जीप से पुलिस वालों ने हम लोगों का पीछा किया था, जिस पर हम लोगों ने उन पर पत्थर फेंक कर भाग गए थे। तौसीफ आलम द्वारा बताया गया कि साहब मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 3 जनवरी को रात्रि में गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरैया में पीआरवी व पुलिस की गाड़ी को तोड़ा था एवं रोड पर से पशु चोरी कर ले गए थे। वर्ष 2020 में चिलुआताल से एक और गाय चोरी किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने खोराबार पिपराइच गुलरिहा रामगढ़ताल क्षेत्रों से कई गायों को चोरी किए हैं। इन्हीं गाय व सांडों को बिहार में बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम सप्ताह में 3 बार आकर चोरी करते हैं। आज हम दोनों भाई बिहार जा रहे थे, वहां पर गांजा को बेचते हैं तो हम लोगों का खर्च का पैसा मिल जाता है। हम दोनों भाई जब भी गोरखपुर आते हैं अपने साथी मोनू आदि के साथ सांड व जो रोड पर मिलते हैं उसको पिकअप पर लोड करके ले जाकर बिहार में बेच देते हैं, बेचकर जीविकोपार्जन करता हूँ। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्त कई दिनों से वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 25,000 का इनाम दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय सहित व अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, छोटा वाला क्या है? ये तो उससे पुलिस के ऊपर में भाई गाड़ी वाड़ी चलाने में कोई मतलब हिचक नहीं करता, इसीलिए 307 के मुकदमे भी पहले के हैं। तो जमानत पे भी मूल मुकदमे में छूटा था, इन्वेस्टर में वांछित चल रहा था, और भी कई घटनाएं इसमें स्वीकार की हैं। ये देखिए, एसएसपी सर द्वारा लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था, वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोगों को निर्देश भी दे रहे थे मीटिंग के माध्यम से, और फ़ोन करके भी वो लगातार निर्देशित करते थे। जो अपराधी वांछित चल रहे थे, पुरस्कार घोषित थे, एसएचओ कैंट को भी इसी क्रम में निर्देशित किया था उन्होंने, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में हमारी टीम लगातार पशु तस्करों के खिलाफ लगी हुई थी। इसी दौरान रात्रि में एसएचओ कैंट व इनकी टीम जो है कि इनको सूचना मिली, उधर स्वाट टीम को भी सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जो है कि शहर में आए हुए हैं,
उसी क्रम में इन्होंने रात्रि में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तौसीफ आलम है जो कुशीनगर का रहने वाला है, दूसरा उसका भाई है तौफीक है आसिफ शेख है, वो भी जो है कि गिरफ्तार हुआ है कैंट पुलिस द्वारा। और ये बेसिकली ये पशु तस्करी का काम करते हैं, इसके खिलाफ़ लगभग आधे दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और अन्य थानों से भी पता कराया जा रहा है। इनके पास से 3 किलोग्राम के आसपास गांजा भी मिला है, जो पशु तस्करी के साथ साथ गांजा सप्लाई का भी काम करते थे। और ये कैंट पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसके ऊपर SSP सर द्वारा 50,000-25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।